अनिल जी, हमको गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पसंद है और इसमें मुथूट फाइनेंस हमको करंट लेवल पे काफी अट्रैक्टिव लग रही है। देखिए, इस कंपनी की खासियत है कि जो गोल्ड का एसेट पोर्टफोलियो है वो बहुत ही सेफ है। हालांकि अभी पहले क्वार्टर में इनका थोड़ा सा एसेट क्वालिटी बढ़ गया था माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को लेके, लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखें तो पिछले साल 12.5 हजार करोड़ पे 4 हजार करोड़ का इन्होंने मुनाफा किया था। इन्होंने ये भी कहा है कि बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस जो इनकी सब्सिडरी है, बहुत ही नियर टर्म में इनका आईपीओ का प्रोसेस चालू हो चुका है, तो यहाँ पे भी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए काफी जगह है। हमारा मानना है कि ये साल गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि पहले क्वार्टर में ही 11% का ग्रोथ गोल्ड फाइनेंस के पोर्टफोलियो में हो चुका है। मैनेजमेंट ने कॉमेंट्री भी दी है कि सेकेंड हाफ में और भी तेजी से ग्रोथ आएगा, तो करीबन 4,450 का प्रॉफिट हमको लगता है इस साल आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है, तो यहाँ पे खरीदने का मौका जरूर करना चाहिए। यहाँ से भी अगर देखें तो अनिल जी, मुझे लगता है कि 20-25% का अपसाइड पॉसिबल है। थोड़ा सा एसआईपी मोड में अगर कोई खरीदता है तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। दीपांशु, मुझे लगता है कि देखिए, गैस कंपनीज में आईजीएल और एमजीएल ये हमारी भी पसंदीदा काउंटर्स है। हमको लगता है कि एमजीएल में जिस प्रकार का टारगेट प्राइस इन्होंने अनाउंस किया है, मेरे ख्याल से अगले 12 से 15 महीने में हमको भी लगता है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, कैश रिच कॉर्पोरेट है, और गवर्नमेंट भी गैस कंपनीज को काफी इंसेंटिव और एक्सपांशन के लिए काफी प्रोत्साहन दे रही है, तो एमजीएल हमको काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आईजीएल भी अच्छा है, लेकिन एमजीएल में अगर कोई 12 से 15 महीने का व्यू रखता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। थोड़ा सा स्टॉक से बहुत जल्दी चल चुके हैं, तो थोड़ा सा अगर कोई करेक्शन आता है या डिप आता है तो अपने पोर्टफोलियो में जरूर इनको ऐड करना चाहिए। आपने बताई है ग्लोबली, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो बायोलॉजिक्स की जो कंपनी है बायोकॉन की, वो बहुत ही जल्द कंपनी प्लान कर रही है कि इसका आईपीओ होगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तो ये तो एक एडवांटेज बायोकॉन के शेयर होल्डर्स को होगा ही। बट ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनके ग्लोबल कॉम्पिटिटर को प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं बायोकॉन को डेफिनेटली इसका फायदा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखिए, काफी बड़ा ट्रिगर है। अभी मैनेजमेंट की कॉमेंट्री आना बाकी है, थोड़ा सा क्लियरिटी मैनेजमेंट से आती है तो हमको शायद और थोड़ी पुष्टि मिलेगी। बट इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाला साल, होपफुली FY 25 और 26, बायोकॉन के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो कोई भी गिरावट या मान लीजिए इवन करंट प्राइस पे कोई खरीदना चाहे तो 12 से 15 महीने का व्यू लेके इसमें एक छोटा पोजीशन आप जरूर बना सकते हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर हम मार्केट रिलेटेड बात करें तो जो एक्सचेंजेस है, स्पेसिफिकली बीएससी की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, बीएससी एक ऐसा शेयर है जो बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। इनफैक्ट नॉट ओनली डिलीवरी वॉल्यूम, बट अभी जो उनका डेरिवेटिव वॉल्यूम है वो भी काफी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अगर किसी को 2-3 साल का नजरिया लेके काम करना है तो बीएससी का शेयर जरूर एक्यूमुलेट करिए। देखिए, आपने एनएससी की आईपीओ की बात करी, तो एनएससी का लिस्टिंग होने के बाद तो और भी वाइब्रेंसी आपको बीएससी के स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, बीएससी का थोड़ा बहुत शेयर होल्डिंग अभी सीडीएसएल में भी है, एनएससी की लिस्टिंग भी आने वाली है, प्लस इनका जो कोर बिजनेस है वो जैसे जैसे वॉल्यूम मार्केट में बढ़ता है, नए निवेशक मार्केट में आते हैं, तो इसका फायदा बीएससी को जरूर मिलेगा। तो रनवे बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कि जिन्होंने पहले मिस किया है बीएससी को, अगले 2-3 साल का नजरिया किसी का है तो वो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। अनिल जी, 10 की कमाई का शेयर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और हमको यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत समय के कंसोलिडेशन के बाद आईसीआईसीआई बैंक अभी रनवे के लिए काफी बड़ी मात्रा में तैयार है। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें, क्रेडिट डिसबर्समेंट की बात करें, तो पहले तिमाही काफी अच्छी थी। मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस जताया कि सेकंड हाफ डेफिनेटली क्रेडिट ग्रोथ के लिए और भी अच्छा रहेगा। हमारा मानना है कि काफी जो कंपनी सब्सिडरीज है वो भी काफी अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए तैयार है, जैसे इंश्योरेंस का बिजनेस है, एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है, लेकिन कोर बिजनेस हमको लगता है कि डबल डिजिट में ग्रो करेगा। तो यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है। मुझे लगता है कि साल भर का अगर कोई नजरिया लेता है तो 1425 1450 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर इंडिया को ग्रो करना है तो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है।